जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों CSIR यानी कि UGC नेट GRF के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है, ना केवल नेट GRF का मगर मेरी पूरी लाइफ का। मैं पहली बार नेट GRF का, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया ये अरिहंत पब्लिकेशन की UGC नेट GRF का बुक है, जिसमें पिछले कई सालों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, 2022 के, 2021 के, 2019, 18, 17, 15, 14, 10, तमाम तरीके के जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं UGC नेट GRF का। तो पेपर वन का ये बुक है और उसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट। तो मैं खुद प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक साल के बाद मुझे नेट GRF देना है। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। तो वन बाय वन करके मैं इस पूरे बुक को सॉल्व कराऊंगा। लेकिन कैसे, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम मैथ के सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैथ के कम से कम 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर तक के भी सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हर एक सवाल 2 नंबर का पूछा जा रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं मैथ के सवाल को, और आइए वन बाय वन करके हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा आज का जो सवाल होगा वो 12 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट वन में जो सवाल पूछे गए थे वो सारे सवाल हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि 12 अक्टूबर 2022 को जो सवाल पूछे गए थे उसमें मैथ के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं 2022 12 अक्टूबर। तो मैथ के सवाल को हम शुरू करेंगे। एक सवाल परसेंटेज से आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, मैं जितने भी शिफ्ट को देख रहा हूँ। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे आपका कुछ आसान से सवाल है तो उस तरीके से हम शुरू करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस सीरीज का ये पहला सवाल होने वाला है, आसान सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। देखिए सवाल में पूछा गया था UGC नेट GRF में, सवाल ये पूछा गया दोस्तों कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। और हमारे पास कुछ इस तरीके से संख्याएं दी गई। अब यहाँ पे देखिए 0.25, फिर 2.25, 4.25, 6.25। अगर आप इसको देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें हमें 2 अंक यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। 0.25 में 2 जोड़ेंगे तो 2.25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 जोड़ दिया गया है और 6.25 हो गया। फिर दोस्तों अगले में 4 से यहाँ पे प्लस 6 कर दिया गया है, तो अगले में से तो 2, 4, 6 इस क्रम में चीज़ों को ऐड किया जा रहा है। तो अगले में हम क्या ऐड कर देंगे भाई, 8 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो अगला होगा वो हो जाएगा 20.25। और इसी प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 20.25, ठीक है। ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, ये तो आसानी से कर जाने वाला सवाल है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बड़ा मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मजा आएगा करके। सवाल क्या कह रहा है भाई, एक मोबाइल का दाम पहले 20% बढ़ाया जाता है, ओके, फिर उसके बाद 25% घटाया जाता है, तो मोबाइल के अंतिम दाम का कुल कितना, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है। एक मोबाइल का प्राइस इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, लेटर ऑन डिक्रीज बाय 25%, तो व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ मोबाइल। अब इसको देखिए जरा करना कैसे। हम मान लेते हैं कि मेरी एक मोबाइल है जिसकी प्राइस 100 रुपये है। अब जब आप 100 रुपये में 20% बढ़ाएंगे तो 100 रुपये का 20% कितना होता है भाई, 100 रुपये का अगर आप 20% प्लस करेंगे तो 20 रुपये बढ़ जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। अब 120 रुपये को आपको 25% घटाना है, कितना माइनस करना है, 25% आपको माइनस करना है। तो 120 रुपये का 25% कितना होता है पहले ये देख लेते हैं। तो 120 रुपये का 25% यानी कि 25% की वैल्यू कितनी होगी, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, मतलब 30 रुपीज़। तो 120 रुपये में अगर आप 30 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई 90 रुपये, ठीक है। तो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई कितनी, 90 रुपये। आपकी मोबाइल की स्टार्टिंग प्राइस कितनी थी, 100 रुपये, और फाइनल वैल्यू आ गई 90 रुपीज़। मतलब आपका मोबाइल क्या हुआ, 10% यानी कि 10 रुपये 10% कम हो गया। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस। तो 10% कम हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये आपका 10% यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर माइनस 10 भी दिया होता तो हम मान लेते, क्योंकि कमी हो रही है ना, 10% कम हो रहा है, बट इट्स फाइन। यहाँ क्या कह रहे हैं, कितना प्रतिशत चेंज हुआ, तो 10% चेंज हुआ, राइट। यहाँ पे बात समझ में आ गई, ओके, यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों। बहुत मजेदार सवाल था, मजा आया था सवाल करके। अब आइए इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत ही मजा आने वाला है सवाल करके। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कविता जो है, कविता की उम्र उसके 2 जुड़वा पोतों
के उम्र के योग के 3 गुने से 8 अधिक है। अब आप कहोगे हे भाई ये क्या पूछ दिया, उम्र के 2 गुने के पोते के योग के 3 गुने। अरे दादा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत आसान सवाल है, मजा आ जाएगा। 9 वर्ष बाद कविता की उम्र उसके पोतों की उम्र के योग के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, तो कविता की उम्र क्या होगी? कब? जब दोनों जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। भाई नेट जीआरएफ का सवाल है, ऐसे नहीं दे देगा आपको, थोड़ा तो घुमाएगा ही। अब इसमें देखिए क्या मजेदार सवाल पूछा है, कह रहा है कविता की उम्र हम मांग लेते हैं, वर्तमान उम्र मानेंगे यार, तो वर्तमान एज कविता की, द प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम, की है उनके जो दोनों जुड़वा बच्चे हैं उनका वर्तमान एज हम मान लेते हैं वाई है, दोनों के एज का योग हम मान रहे हैं, जो दोनों बच्चे जुड़वा हैं तो उनके दोनों का जो एज है उनको अगर हम योग करेंगे सम करेंगे तो वो वाई होगा, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा इनमें से एक बच्चे का कितना होगा, तो वाई बाई टू, एक बच्चे का वाई बाई टू, ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम वर्तमान एज वाई, दोनों बच्चों के वर्तमान एज को अगर हम जोड़ दें, सम कर दें, योग कर दें, तो हम वाई मान लेते हैं। अब जैसे जैसे कंडीशन दिया गया है हम वैसे वैसे कंडीशन चलते हैं। कह रहे कविता की उम्र जो है, मान लेते हैं ये कविता की उम्र की है, जुड़वा पोतों के उम्र के योग के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है, तो उस जुड़वा बच्चे की उम्र कितने हैं भाई, वाई हैं उनके योग। अब कह रहे पोतों की उम्र के योग के 3 गुने से, अच्छा इनका 3 गुना है, से 8 वर्ष अधिक है, अच्छा 8 वर्ष अधिक है, ठीक है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 9 वर्ष के बाद कविता की उम्र, 9 वर्ष के बाद कविता की एज कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष के बाद हो जाएगी कविता की एज K+9, यह कितने के बराबर है, तो उन उम्रों के योग के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो 9 वर्ष बाद उन दोनों बच्चों के एज का योग कितना होगा, एज का सम कितना होगा, यहाँ पे बस ट्रिक है। 9 वर्ष के बाद उन जो दोनों जुड़वा बच्चे थे उनके एज का सम कितना होगा, उनकी एज का योग कितना होगा, देखिए वर्तमान तो वाई था, ठीक है, तो 9 वर्ष बाद वाई +9 +9, क्यों भैया +9 +9 क्यों, क्योंकि 9 वर्ष बाद एक बच्चे का भी 9 वर्ष बढ़ेगा, दूसरे बच्चे का भी 9 बढ़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब 18 साल बढ़ेगा, समझ में आ रही बात, यहीं पर ट्रिकी था दोस्तों। ये जुड़वा बच्चे हैं तो उनका वर्तमान में जो सम था योग था वाई है, तो 9 वर्ष के बाद कितना होगा, तो पहले बच्चा भी 9 साल बढ़ जाएगा, दूसरा बच्चा भी 9 साल बढ़ जाएगा, तो 9 वर्ष बाद इनका योग ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इनके योग के 2 गुने से 1 अधिक है, 1 वर्ष अधिक है, तो 1 वर्ष अधिक है +1, ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया। अब इसकी सॉल्व कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब आइए तो या इसी को थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा K=2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2y+36, ये +1 का +1, 9 इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बाबू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा, ये देखिए इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, के को के लिख दिया हमने, 2y को हमने 2y लिख दिया। अब ये देखिए 36 + 1 37 - 9, 37 में अगर आप 9 माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपका 28, करेक्ट 28, तो ये हमने कर लिया, हमारे पास जो 2 इक्वेशन आ गए वो ये आ गए लास्ट में। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, इन दोनों को अगर आप आपस में माइनस कर लीजिएगा, इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो K - K हो जाएगा 0, और इसको अगर आप माइनस करेंगे 2y - 3y, मतलब 2y में से अगर 3y माइनस करेंगे तो ये जाएगा -y, और 28 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों +20, वाई को इधर भेज दीजिए प्लस में आ जाएगा y=20। तो वर्तमान में दोनों बच्चों के जो एज का सम है ना वो कितना निकल गया, y=20। अब y=20 अगर 20 निकल गया तो y की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, आपका सवाल यहाँ पे सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू अगर आप यहाँ रख देंगे 3y में, तो k की वैल्यू हो जाएगी K=3y, मतलब 3×20+8, तो कितना हो जाएगा 60+8, कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 68, ठीक है। तो वर्तमान में जो कविता आंटी थी, क्योंकि भैया जब उनके पोते हो गए तो हम आंटी दादी कुछ भी कह सकते हैं, तो वर्तमान में जो कविता दादी की जो एज थी वो 68 हो गई, निकल के आ गया। अब आप फटाक से कह देंगे सर 68, ना 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 ना, यहाँ पे ज़्यादा ट्रिक समझिए, वर्तमान एज उसका 68 है कविता का, ठीक है। सवाल क्या कह रहे हैं, जब बच्चों का जन्म हुआ था तो अब हमने वाई 20 निकाला था, तो दोनों बच्चों का जो योग था वर्तमान में वो 20, ठीक है। एक बच्चे की उम्र कितनी होगी, 10 साल, तो जब वो पैदा हुए थे मतलब 10 साल पहले ही तो पैदा हुएंगे, तभी तो उनका 10 साल एज है, यहाँ समझ में समझिएगा, यहाँ पे उन दोनों बच्चों के वर्तमान योग कितना है, 20 साल है, दोनों जुड़वा थे तो एक का 10 साल होगा दूसरे का 10 साल होगा, तो वो दोनों बच्चे पैदा कब हुए थे, 10 साल पहले पैदा हुए थे, तो 10 साल पहले कविता की एज कितनी होगी भाई, 10 साल माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगी 58। दिमाग मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 58।
ये था सवाल दोस्तों, नेट जीआरएफ का सवाल मजा दिला देता है। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट चलिएगा, सवाल करने में भी मजा आ जाएगा, जब आंसर मिलेगा तब भी मजा आएगा। ट्रिकी तो रहेगा भाई, नेट जीआरएफ का सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी तो आपका रहेगा ही, लेकिन मुश्किल नहीं रहेगा, असंभव नहीं रहेगा, बहुत आसानी से कर लेंगे। इतनी देर में आपने तीन वीडियो, तीन सवाल देख लिए, मजेदार सवाल देख लिए। अब जो पांच सवाल, एक पॉइंट पे पांच सवाल, अब इस सवाल को पढ़ लीजिए, इसी पे आपके पांच सवाल लग जाएंगे, और इतने आसानी से लग जाएंगे, इतने मजे से लग जाएंगे कि आप भी कहोगे वाह वाह क्या सवाल है। तो आइए जरा इन पांच सवालों को देखते हैं, पांच सवाल, चलिए पांच सवाल इसी पे आधारित है। चलो ये पांच सवाल को देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है वो पांचों सवाल, आइए जरा पढ़ लेते हैं इसको। अब देखिए कह रहा है कि हमारे पास, मैं आपको समझा देता हूँ कि सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट कर रहा है भैया, द परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर, ओके 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 रुक जा बाबू, हाँ तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टीचर एंड द नंबर ऑफ अ मेल टीचर इन द सिक्स सिटीज, छह सिटीज दी गई हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और हमें बता रहा है कि ए सिटी में टोटल 14% टीचर हैं, जिसमें से 200 क्या है मेल टीचर है, मतलब पुरुष टीचर है, और ठीक उसी प्रकार से डेटा दिया गया। हमारे पास टोटल टीचर कितने भैया, 4500 टोटल टीचर है। अब हमसे इस पे पांच सवाल पूछेगा, पांच सवाल में आपका पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, शहर एफ में पुरुष शिक्षक, शहर सी में महिला शिक्षक और शहर बी में महिला शिक्षक, इनका योग, तो महिला शिक्षक तो हमें यहाँ पे दिया नहीं है, हमें केवल टोटल टीचर की परसेंटेज दिया है और पुरुष टीचर दिया है, फीमेल टीचर तो दिया नहीं है। आइए हम जरा इस चीज़ को निकालेंगे और पांच सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा। अगर आप प्रश्न पढ़ना चाहते हैं फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है भाई निम्नलिखित आंकड़ों में ए से एफ तक शिक्षकों का प्रतिशत वितरण और पुरुष शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है, कुल शिक्षक कितने हैं भैया शहर में पूरे मिला के 4500 हैं, तो तालिका के आधार पर एक से पाँच में उत्तर देना है, पाँच सवालों के हम उत्तर देंगे। हमारे पास महिला शिक्षकों की संख्या नहीं दी गई है तो हम उसको निकाल लेते हैं। अब देखिए पहले हम ये निकाल लेते हैं कि किस शहर में कितने टीचर हैं, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो परसेंटेज में दी गई है। टोटल हमारे पास टीचर 4500 है और ए में 14% टीचर है, तो 4500 का 14% कितना हो गया भैया, 4500 का 14% कितना होगा, 14/100 00 से 00 कर गया, 45 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 630 आ जाएगी, ठीक है भैया 630, पाँचों के बीच के 0 हाथ में, पाँचों के बीच के 2 हाथ में, 2 और चार चौक 16 17 18 और 18 और 5 एकम 5 18 5 3 3 कैरी 2 4 6 630 करेक्ट, यहाँ पे समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट 16% की बात करें, तो अगर हम नेक्स्ट 16% की बात करें तो 45 × 16 अगर हम करते हैं तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3 और 6 6 24 25 26 27 का 27 यहाँ पे कैरी हो गया, और यहाँ पे कर लीजिए तो 5 5 5 7 5 12 12 2 और कैरी हो गया आपके पास 3 4 1 4 3 7 720 यहाँ पे आ गया, 720 यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से अगर 28% निकालेंगे 45 का तो ये हो जाएगा 1260, 15% निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 675, 21% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 945 और 6% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 270। ये हो गया टोटल आपके टीचर, कौन से शहर में कितने टीचर आपके अवेलेबल हैं, ठीक। उसी प्रकार से अब फीमेल टीचर नहीं, यहाँ पर तो मेल टीचर दिया है ना, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे फीमेल टीचर निकाल लेते हैं कि हमारे पास फीमेल टीचर टोटल कितने हैं, यहाँ पे हम फीमेल टीचर तो 630 टोटल टीचर हैं, 200 माइनस कर लीजिए 430 हो गए, 720 में से अगर 400 माइनस करेंगे तो 320 हो गए, सो 1260 में 660 माइनस करेंगे तो 660 हो गए, 675 माइनस 575 575 राइट, ये हो जाएगा 445, ये हो जाएगा दोस्तों 170, ये हो गए आपके पूरे फीमेल टीचर। इतना डेटा अगर आपने कैलकुलेट किया, पांच सवाल दोस्तों चुटकी में लग जाएंगे, 2 मिनट में लग जाएंगे अगर आपने इतना डेटा कैलकुलेट कर लिया, कैसे आइए देखिए। अब इसके बाद पहला सवाल क्या कह रहा है भैया, हमसे पहला सवाल कह रहा था कि शहर एफ में पुरुष टीचर और शहर सी और शहर बी में फीमेल टीचर का योग, एफ में पुरुष और सी बी में महिला, एफ में पुरुष कितने हैं भैया, एफ में पुरुष हमारे पास 100 हैं, ठीक है, और सी में कितनी महिलाएं हैं, 660 हैं, सी में कितनी महिलाएं हैं, 660, सी और क्या कहा था, सी और बी, हाँ बी में कितनी महिलाएं हैं, बी में महिलाएं 320 हैं, इनका योग कह रहा है जी, तो ये हो जाएगा दोस्तों 660 760 1080 1080, कोई दिक्कत बाबू, 1080 पहला सवाल आपका निकल कर आ गया, लीजिए जाइए, दो नंबर आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं सवाल में, बस आपने डेटा बना लिया, बस काम खत्म। अगला सवाल क्या कह रहा है, शहर डी में महिला शिक्षकों की संख्या
शहर ए के कुल शिक्षकों का कितना प्रतिशत है? चलिए देख लेते हैं कितना प्रतिशत। शहर डी में, मतलब डी में, सिटी डी में कितनी फीमेल टीचर हैं और सिटी ए में टोटल टीचर कितने हैं, चलिए उसका परसेंटेज निकालना है। तो शहर डी में महिला शिक्षक, शहर डी है ना, इसमें फीमेल टीचर कितनी है, 575 और ए में 630। अच्छा, तो मतलब 630 का कितना परसेंट, 630 ए में टोटल टीचर है, इसका कितना परसेंट दोस्तों, इसका कितना परसेंट 575 होगा, ये सवाल कह रहा है। तो निकाल लीजिए, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 575 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 630। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5750 अपॉन 63। इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए, 9 से कट जाएगा, 9 से करेंगे, देखिए 63 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 3 27 के साथ कैरी दो, 9 54 55 56, 567 हुआ ना, 567। तो 9 से एक 9 बार में गया, ठीक है, और 567 मगर 575 में माइनस करेंगे, 575 से अगर इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 8, ठीक है, 0 से 80, 80 आपके पास टोटल बचेगा, राइट। तो 63 से एक बार में और जाएगा, 63 से एक बार में और जाएगा, यानी कि 91 इधर हो गया, इधर बच गया 7, और इधर बच गया क्या भाई, 7 बच गया 17, 91 point something आएगा भाई, परसेंटेज कितना आएगा, 91 point something आएगा। तो आपके आंसर में देखिए 91 यहाँ पे दिया गया है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर, समझ में आ रहा है भाई। इसी तरीके से आपको सवाल लगा लेना है। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है, शहर सी में पुरुष टीचर और शहर बी में महिला शिक्षक का अनुपात, ओहो, सिटी में, सिटी सी में कितने मेल टीचर हैं और अनुपात निकालना है कि सिटी बी में कितनी फीमेल टीचर है। सिटी सी में, सी में पुरुष और बी में महिला, देख लेते हैं भैया, सी में पुरुष और बी में कितनी महिलाएं हैं। सी में पुरुष की अगर हम बात करें तो सी में कितने पुरुष हैं भैया, 600 पुरुष हैं, तो 600 पुरुष हैं, ठीक है, और बी में कितनी महिलाएं हैं, बी में 320 महिलाएं हैं, ठीक है भैया, 600 बटे 320 निकालना है आपको, 600 बटे 320 यहाँ पे निकालना है, 600 बटे 320 यहाँ पे निकालना है, 600 बाई 320 आपको निकालना है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, आप किससे कर लीजिए, 4 से कर लीजिए, 4 से करेंगे तो 4 8 32 और 15 15 64, यानी कि 15 बाई 8, क्या ये और डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा, ये देखिए आंसर तो दिया ही है, डिवाइड करने की क्या जरूरत है, 15:8 आपका सही आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया। मजा आया सवाल में, कोई दिक्कत, कोई असुविधा, कोई परेशानी, देखिए नेट जा रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन तो मांगेगा ही, प्रैक्टिस तो मांगेगा ही, बट अगर हम प्रीवियस से सॉल्व करते चले ना, मजा आ जाएगा आपको भी और मजा आ जाएगा मुझे भी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं कि शहर ई में शिक्षकों की संख्या, शहर एफ में कितना, ओके, ई में शिक्षक, ई में जो टोटल टीचर है भैया, सिटी ई में जो टोटल टीचर है उनको आपको माइनस कर देना है एफ की महिला शिक्षकों से। ई में टोटल टीचर देख लेते हैं भैया, ई में टोटल टीचर कितने हैं, ई में, सिटी ई में टोटल टीचर हमारे पास कितने हैं, 945 और एफ में महिलाएं कितनी है, 170, 945 माइनस 170, यही था ना, यही था ना भैया, 945 माइनस 170। डेटा बना लेंगे ना, मजा आ जाएगा, कॉपी पेन पे, जब कॉपी पेन पे करेंगे बहुत आसानी से, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 75 और 8 में से 775, इज देयर एनीबडी, यस करेक्ट, 775, बात तो सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि किस शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या वहाँ की महिलाओं शिक्षकों की संख्या से अधिक है, इन विच सिटी द नंबर ऑफ मेल टीचर इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर, ठीक है देख लेते हैं, डेटा में आइए, बहुत समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि मेल टीचर अधिक है फीमेल टीचर से, देख लेते भैया क्या ये मेल है ये फीमेल है, तो ये तो अधिक नहीं है, ये अधिक है, ये अधिक है भैया, ये अधिक है, ये भी अधिक नहीं, ये वाला देखना है डेटा हमारा, जो मेल टीचर है वो क्या अधिक है, तो एक अधिक हुआ, इन दोनों में ये भी अधिक नहीं है, ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक, तो बी में और बी और ई वाले में अधिक है, बी और ई वाले में भाई अधिक है, दो ऐसी शहरें हैं यहाँ पे बी और ई में अधिक है, तो अधिक है, तो केवल बी में नहीं भैया, बी में तो कहाँ है, केवल बी और ई में है, ये बी और ई दोनों में अधिक है। इस तरीके से आपका सवाल लग गया, और इस तरीके से इस साल के जो पूछे गए सवाल थे, जैसे अभी हमने कविता वाला तो देख ही लिया था, तो इस तरीके से बच्चों आपके जो भी नेट जीआरएफ के सवाल पूछे गए थे, आपका शिफ्ट कौन सा था, शिफ्ट था 1 और पेपर 1 12 अक्टूबर 2022, इस तरीके के आपके सवाल पूछे गए। तो आप टोटल अगर सवालों की बात करें तो 5 सवाल तो इस डेटा से दिया गया था, और उसके अलावा जो आपके सवाल थे, एक सवाल कविता वाला था, एक सवाल परसेंटेज वाला था, और एक सवाल ये था, यानी कि टोटल 8 सवाल आपने कर लिया, नेट जीआरएफ के 16 नंबर के आपने सवाल यहाँ पे कर लिया।
ठीक है, 16 नंबर के सवाल आपने करी। अच्छा देखिए, ये वीडियो कितना लंबा हुआ, इतनी देर में आपने 16 नंबर के सवाल किए, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। अगर खुद से करना हो तो प्रैक्टिस मेक्स मैन्स एंड वुमेन्स परफेक्ट। अच्छा कई बार ऐसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, व्हाई नॉट वुमेन्स, बिकॉज वुमेन्स आर ऑलवेज परफेक्ट, वी अज्यूम दैट। सो जोक्स अपार्ट बड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया मुझे ये सारे क्वेश्चंस करके। आई रियली होप कि आपको भी मजा आया होगा, इंजॉय किया होगा आपने, आपने इसको देखा होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, बाकी कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको। अगर इसी तरीके से हम सॉल्व करते हुए चले ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना लगेगा, एक महीने में हम अच्छा खासा मैथ का सारा सवाल कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उससे पहले ही कर लूँ, अभी तो मैंने केवल एक शिफ्ट को यहाँ पे करा था। मैं आशा करता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा तो उसमें 2-3 शिफ्ट के सारे मैथ्स के सवाल अपन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करते हुए रिविज़न हो जाएगा आपका भी और मेरा भी रिविज़न हो जाएगा, तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी और आपको भी समझ में आ जाएगा सवाल, तो साथ में कर लेते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मज़ा आया होगा, आपको समझ आया होगा। बाकी दोस्तों जैसा लगा हो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। अगर आपके जानने वाले कोई हो इससे संबंधित तो शेयर कर दीजिएगा और जुड़िएगा चैनल। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत।